जो ये बस स्टैंड है यहाँ पे इतना सारा कचरा है, ऐसा लगता है कि ये कोई देहात का बस स्टैंड है। यहाँ पे किसी सुविधा नहीं है, कोई पंखा नहीं लगा हुआ है। आदमी दूर रीवा सीधी सतना साडोल सबके यहाँ पे यात्री बैठे हुए हैं, बहुत लोग बीमार हुए बैठे हुए हैं। आपको सामने भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे बहुत सारे यात्री बैठे हैं जो बुखार से भी परेशान हैं। कोई सुविधा नहीं है, बैठने की भी असुविधा है ना, बैठने की कोई असुविधा नहीं है, पंखा नहीं है, बहुत यात्री परेशान हो रहे हैं जी। कुर्सियों का तो हाल आपके सामने ही दिख रहा है, बेहाल पूरा पड़ा हुआ है। कुर्सियों में केवल लोहे बचे हुए हैं और तो कुछ है नहीं, बैठने की तो कोई व्यवस्था है ही नहीं है। जितने आदमी यहाँ पे बनाया गया है जिस सुचार व्यवस्था से, वो सुचार व्यवस्था तो है नहीं यहाँ पे। अलाउंसमेंट की सुविधा तो पूरे गाड़ियों का बराबर नहीं है, जो जहाँ पे जा रही है दो चार गाड़ियों का ऐसा है कि बीच बीच में देते रहते हैं, बाकी तो नहीं है। नाम अरुण मिश्रा। स्टैंड में भैया इतना वो है कि यहाँ बिल्कुल दारू खोरी, रात में 8 बजे यहाँ कोई अच्छे लोग तो आ ही नहीं सकते हैं, और बिल्कुल नशा खोरी स्टैंड के आजू बाजू दारू रोड पे दारू की दुकान है, पीछे आएंगे दारू पियेंगे, इधर उधर बॉटल फिरेंगे, लेडीज आएंगे उनको छेड़ा जाएगा, गलत बहुत होता है यहाँ। यहाँ व्यवस्था बिल्कुल बेकार है भैया, बैठने की कुर्सी तोड़ दिए जाती हैं, बैठते हैं पियेंगे दारू खोरी बताएं, चक्कू रखे रहेंगे, बंदूक रखे रहेंगे, कुर्सी तोड़ दी जाएगी यहाँ की। नाटक आए दिन होता है रात में 7-8 के बीच में जी। यहाँ पे एक हैंगे भैया, वो अपने बस बस का विशेष ध्यान रखते हैं, वो बहुत सही आदमी है भैया, सतप्रकाश भैया यहाँ रहते हैं, वो अपना काम पर पूरा ध्यान देते हैं, फिर भी यहाँ वो उनके साथ 12-1 बजे तक ड्यूटी रहती है, फिर वो मना करते हैं तो उनको भी विरोध किया जाता है उनके बारे में। नाम मोहम्मद प्रश्न।